जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो अपनी अपनी सफाई में बात कहते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन बिहार के कई जिलों में ट्रेन में आगजनी हुई है। आगजनी पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। छपरा में उपद्रवियों ने जिस तरह से ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया, उसे देखते हुए छपरा जंक्शन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन को अंदेशा है कि प्रदर्शनकारी आज भी स्टेशन पर हमला बोल सकते हैं। देखिए संवाददाता मनीष प्रसाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय छपरा जंक्शन और जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर आरपीएफ का ये फ्लैग मार्च है, जहां पे सीनियर ऑफिशियल्स उनके पूरे बंदोबस्त को लेकर एरिया को डोमिनेट करने के लिए, साथ में जो अपने हाथों में बैत वेपन और साथ में कैन लेकर वो अंदर पूरे एरिया में जा रहे हैं, ताकि ये एक मैसेजिंग हो सके कि आरपीएफ पूरी तरीके से सजग और सचेत है। इसीलिए इस समय छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर जहां पर लोगों की भीड़ है, तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय वहां पर तैनात है। हम आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरह से बंद का आह्वान किया था, उसी को देखते हुए यहां पर आरपीएफ और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कहीं से भी कोई उग्र प्रदर्शन ना हो, उपद्रव ना मचे। और इसी को देखते हुए भारतीय रेल ने जहां कई सारी ट्रेन्स को कैंसिल किया है, तो उसके साथ साथ लोगों की सुविधा के लिए यहां पे आरपीएफ की तैनाती भी की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर जिस तरह से पूरे देश में बवाल चल रहा है, उसको देखते हुए करीबन 6 से 7 ऐसी ट्रेनें थी जिनको आग के हवाले कल किया गया बिहार में, और उसके अलावा कई सारी ट्रेनों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, और इस पूरे एरिया में यानी छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे ट्रैक तक और जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। एक बार फिर से यहाँ पर जो पूरा एरिया है, क्योंकि कंट्रोल रूम साथ में सीसीटीवी एरिया, उसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स के केबिन है वहाँ पर भी अब सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, तैनाती की गई है। और साथ में यहाँ पे सभी को ये जानकारी भी दी जा रही है कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि देखता है जहाँ पे उपद्रवी अपने पूरा मास्क लगा के या फिर हाथों में डंडा लोहे की रॉड लेकर या फिर पेट्रोल कैरोसिन लेकर यहाँ पे कोई भी उत्पात मचाने आए हैं, तो उसको पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए उस पर कार्रवाई करें। इसीलिए भारतीय रेल ने सजगता दिखाते हुए इस समय आरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स की तैनाती यहाँ पर की है, और एरिया को डोमिनेट करने के लिए आरपीएफ की तैनाती के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और साथ में बिहार पुलिस की तैनाती बाहर की गई है। इस समय ब्रीफिंग की जाएगी और यहाँ पर जो एरिया को डोमिनेट करने के साथ साथ जो आसपास का जो पूरा यहाँ पर एरिया है उसको सैनिटाइज करने के लिए आरपीएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद यहां पर मौजूद हैं, और बार बार यही जानकारी दी जा रही है कि आप सचेत रहें, सजग रहें। अगर कोई भी उपद्रवी आप देखते हैं तो उसकी जानकारी तुरंत पास के किसी भी पुलिसकर्मी को दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।